मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। जी हाँ मित्रों, आज हम एक सर्वथा नवीन टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है आपकी ज्योतिष संबंधी एक विशेष जिज्ञासा का समाधान। जी हाँ मित्रों, ये जिज्ञासा तो एक मित्र विशेष की है, लेकिन प्रायः सभी विद्वत समुदाय ज्योतिष से संबंधित, खासकर केपी सिस्टम ज्योतिष से के जिज्ञास सभी समुदाय का, सर्वजन का, सर्वजन हिताय। या मित्रों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप आपसे आग्रह है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में जो बेल आइकन आती है उसको जरूर पुश कर दें, वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें, मित्रों को शेयर जरूर करें तथा सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों आते हैं मूल पाठ। जी हाँ मित्रों, आज संयोग से मैं नित्य कमेंट पढ़ता हूँ मित्रों का, जो कि हमारा आप सबका दायित्व तो है, क्योंकि कमेंट से ही आपके अंदर क्या पल रहा है, आपकी क्या जिज्ञासा है, आप कितने जागरूक हो, कमेंट करना जागरूकता का परिचायक है मित्रों, और आपकी जिज्ञासा का आदर करना हमारा दायित्व। तो मित्रों, एक मित्र हैं लोकेश गुप्ता, ये उनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा तो है, लेकिन मुझे लगा इसको पढ़ करके ये प्राय सबकी जिज्ञासा है, क्योंकि केपी सिस्टम ज्योतिष इस हफ्ते सबसे शुद्धतम और सूक्ष्मतम विधा है भविष्य कथन, और इसमें सबकी आस्था भी बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, और सबसे अपेक्षा सबको भी अपेक्षाएं भी बढ़ी है। इस नाते जिज्ञासा होना, कमेंट लिखना और उसका समाधान चाहना उनका अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए इसका समाधान। तो मित्रों, उन्होंने लिखा है कमेंट में, लोकेश गुप्ता जी ने, सर जी 90% लोगों का जन्म समझ शुद्ध नहीं रहता, हमें किसी भी भाव का सरलाड ठीक नहीं मिलेगा तो केपी सिस्टम सही प्रेडिक्शन कैसे करेगा। मित्र, हम सरलाड ही नहीं, सब सब लाड तक सूक्ष्मतम विभाजन करते हैं नक्षत्रों, राशियों का और ग्रहों का डिग्री क्या था। तो अगर जन्म का समय सही नहीं रहेगा तो इनका कहना बहुत ही सही है कि सही फलादेश कैसे दे। तो मित्रों, इसमें हम आपका समाधान करना चाहते हैं कि माननीय स्वर्गीय केएस कृष्णमूर्ति जी आपके इस जिज्ञासा और प्रश्न के प्रति संभवतः सतर्क थे, उन्होंने मात्र एक प्रश्न के ही लिए नहीं, आपके अनेकों उलझे प्रश्नों के लिए सुलझा समाधान देने का प्रयास किया है, और उसका जिसका एकमात्र प्रमाण है रूलिंग प्लैनेट्स का प्रादुर्भाव। रूलिंग प्लैनेट्स को स्थापित करके, उनको जन्म दे करके और उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करके उन्होंने हर उस स्तर पर हमारा समाधान किया है जहां हम क्यों हमको कहीं भी आशंका। जन्म के समय की अशुद्धि से मात्र लाड सब लाड ही अशुद्ध नहीं होंगे, बल्कि एक सेकंड एक मिनट के अंतर से लग्न अशुद्ध हो जाएगा, ग्रहों का राशि इधर से उधर हो जाएगा, नक्षत्र इधर से उधर हो जाएंगे, संधिकाल में ग्रह पड़ जाएंगे, कौन सी लग्न है संधिकाल की ये तय नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, इसके समाधान के लिए कृष्णमूर्ति जी इसके प्रति सतर्क थे, इस नाते उन्होंने रूलिंग प्लैनेट का खोज करके विभिन्न भ्रांतियों के निराकरण हेतु मार्गदर्शक का प्रादुर्भाव किया। या मित्र, अगर सही रूलिंग प्लैनेट का प्रयोग करना आप जानते हो, सीख लेते हो, तो मिनट सेकंड तक आप जन्म के समय को ठीक कर सकते। दूसरा विषय मित्र, ज्योतिष को बार बार हम कहते भी हैं, आप जानते भी, ज्योतिष नियति शास्त्र है,
दैव विज्ञान है, पराविज्ञान है, भौतिक विज्ञान से ऊपर। और हमारा नियत शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि हमारे हर कार्य पूर्व नियोजित हैं और प्रायोजित हैं प्रकृति द्वारा, पूर्व नियोजित। हम अगर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अभी उसके नियंता के निर्देश पर, ज्योतिषी अगर हमसे मिलता है तो अभी नियति के निर्देश पर, और अगर जिस समय हम बैठ के समाधान करते हैं वो भी नियति के निर्देश। तो मित्रों, यद्यपि मित्र ने लिखा है 90% जन्म का समय अशुद्ध होता, मेरी ऐसी मान्यता तो नहीं है, पर पहले समय में घड़ी नहीं हुआ करती थी, निश्चित रूप से घंटे को भी घटी पल में बदलने का विधान था। और जो उस समय टिप्पण बनाते थे, टिप्पणी बनाते थे, वो भी घर की महिलाएं ज्यादातर बच्चे के जन्म के समय को बताती थी और कुछ अनुमानित आधार पर लिखते। उसमें तो कुछ गलतियां संभव थी, लेकिन जब से घड़ी का आविष्कार हो गया तब तो इसमें कमियां कम रहती। दूसरा चीज हमको कहने का यह मतलब है मित्रों कि जब ये नियति शास्त्र है तो निश्चित ही हमारे जन्म का समय जब नोट होता है तब नियति के निर्देश पर नोट होता है वो 80% तो सही होता है, 80% सही होता है, 10-20% जो कमियां हैं गलतियां हैं उसको नियति निर्देशित करती है जातक और प्रेक्षक कि तुम्हारे जन्म का समय अशुद्ध है, बार बार पिंच करती है, प्रेरित करती है। तब वो ज्योतिषी से स्वयं जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मेरे जन्म के समय में इतना अंतर है। और मित्रों, अगर जातक स्वयं में ये शंका करे, संदेह करे, तो ज्योतिषी को भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये गलत हो सकता है, इसको ठीक करना हमारा दायित्व तो है, तो हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। जी हां मित्रों, समय की अशुद्धि सबसे बड़ी अशुद्धि है, बिना उसको ठीक किए सही कुंडली निर्माण नहीं हो सकता, और जब तक सही कुंडली निर्माण नहीं होगा तो मित्र का कहना सही है कि सही प्रेडिक्शन कैसे। तो मित्रों, आज यह वीडियो इसी पर है कि सबसे पहले हमारी निगाह जन्म के समय पर जानी चाहिए, जानी ही चाहिए, और उसकी शुद्धता होनी ही चाहिए, उससे तमाम प्रकार का जो संशय है, प्रेडिक्शन में गलती है, वो टल जाएगी। दूसरा चीज, प्रमाद बस अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो मित्रों, हमारा तो अनेकों मित्रों से विश्लेषण में पाला पड़ता है, हम बताएंगे समय अशुभ है, कहेंगे नहीं समय तो शुभ है, हम कहेंगे समय तो शुभ है तो कहेंगे नहीं अशुभ है। और किसी भी घटना को, जैसे शादी की घटना हुई, किसी मृत्यु की घटना हुई, बच्चा पैदा होने की घटना हुई, व्यवसाय संबंधित घटना हुई, आर्थिक समस्या संबंधित, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से रोग से संबंधित घटना हुई, कोई भी घटना अगर कालखंड से मेल नहीं खाती वो निश्चित है जन्म समय में ही अशुद्धि है, ज्योतिष में अशुद्धि नहीं, हमारे शास्त्र में अशुद्धि। तो उस समय भी हमको सचेत हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से जन्म के समय को शुद्ध करना। दूसरी चीज मित्रों, हमने बहुत अध्ययन किया है, बहुत ग्रंथों को, साहित्य को समय गंवाया है, पुरानी से लेकर नवीन ज्योतिष, परंपरागत ज्योतिष तक का, लेकिन जितनी ठोस और सूक्ष्म और शुद्धतम और विश्वसनीय प्रणाली रूलिंग प्लेनेट के द्वारा जन्म को समय को ठीक करने का मिनट सेकंड तक कृष्णमूर्ति जी ने या केपी सिस्टम में जो दिया गया है, जितना यह सही है उतना आज तक खोजने से मुझे नहीं। तो मित्रों, हमारे लिए एकदम बहुत सरल उपाय है रूलिंग प्लेनेट, उसके द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं, और बिना ठीक किए एक कदम भी आगे बढ़ना अपने आप को भी धोखा देना है और जातक और प्रेक्षक को भी धोखा देना है मित्रों। और स्वयं तो हम बदनामी के पात्र बनेंगे ही,
ज्योतिष को भी बदनाम करने का काम करेंगे। ये नाजे मित्रों, हमारा पहला दायित्व है कि जन्म के समय का करेक्शन। जन्म का समय प्रायः सही होता है, प्रायः घटनाएं मेल खाती हैं, लेकिन 10-5% अगर गलतियां हैं तो प्रकृति निश्चित रूप से हमें संदेश देती है, हमें संकेत देती है, इसको ठीक करो ठीक करो, हम उसको करते ही मित्रों। लेकिन हमारे पास तो एक विधा है केपी सिस्टम, और जहां विधा ही नहीं थी वहां तो हम लोग क्या करते। दूसरा विषय अंत में मित्रों ये कहना है कि यदि अशुद्ध जन्म समय में केपी सिस्टम में समाधान संभव नहीं है तो अशुद्ध जन्म समय के द्वारा कुंडली निर्माण की मान्यता कोई भी विधा नहीं देती, और अगर कोई करता है इसको कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो मिथ्या है। क्योंकि कहीं भी जन्म का समय एक होगा, मृत्यु का समय भी एक होगा, तो जन्म के समय में जब हेरा फेरी होगी, अंतर होगा, तो उन कुंडली बनाना मात्र छलावा होगा, दिखावा होगा। वो ज्योतिष जगत के साथ, ज्योतिष के साथ, ज्योतिष समुदाय के साथ, ज्योतिर्विद के साथ, ज्योतिष पर विश्वास करने वाले विश्वासकों के साथ, सबके साथ। इस नाते मित्रों सबसे प्रथम दायित्व तो है कि भाई लोकेश गुप्ता जी की जिज्ञासा को, यह हम उनकी जिज्ञासा नहीं, उनका प्रश्न नहीं, हम सर्व समाज का प्रश्न और जिज्ञासा मांग करके आज इस बिंदु पर इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जन्म का समय शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि इस मूर्ति जी को यह समझ में बात आ गई थी कि जो ज्योतिष की अस्थूलता चल रही है उसके पीछे कारण यही है कि अगर हम बहुत सूक्ष्मतम बना देंगे तो जन्म का समय सटीक न होने के कारण गलती हो जाएगी फलाने। उन्होंने इसी नाते सर्वप्रथम ये प्रयास किया कि रूलिंग प्लेनेट को दिया, और रूलिंग प्लेनेट निश्चित रूप से ईश्वर प्रेरित थे, जो उनके अंदर वो भाव पैदा हुआ और शक्ति आई। जिस तरह से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनकी स्वयं की रचना थी, ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि वो ईश्वरी शक्ति या नियति प्रेरित या उनके इष्ट देव की प्रेरणा। इसी तरह से अगर हमारा इष्ट देव सबल है, हम इष्ट देव को मानते हैं जानते हैं, इस नाते मित्रों हमने जो इष्ट देव पर एक वीडियो दिया है उसको जरूर देखिए और उसका जरूर अनुसरण करिए, इस नाते उसके करने से आपके अंदर एक अतिंद्रिय बल आ जाएगा, आपके अंदर एक दैवी शक्ति आ जाएगी, तभी आप असली दैवों के कहराने के पात्र बनो। तो मित्रों सबसे प्रथम हमारा पहले दायित्व है कि हम इष्ट को अपने माने जाने पहचाने और इष्ट का आराधना और नमन करके ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ें या अपने कार्य का श्री गणेश करें, तो निश्चित रूप से पग पग पर वो हमें प्रेरित करेगा, हमको रास्ता दिखाएगा, और कहीं भी भ्रांति हो उलझन हो विभिन्न क्षेत्रों में तो तत्काल हम रूलिंग प्लेनेट का सहारा लें, निश्चित ही हमको सटीक समाधान मिलेगा। इन्हीं शर्तों के साथ मित्रों ये केपी कष्ट चार्ट है, हम हमेशा देते हैं ताकि लोगों के रूप में ये रहे सामने, और जो हमने बातें की हैं अगर आपको तर्क संगत लगे तो निश्चित रूप से इस पर अमल कीजिएगा। वीडियो का समय लंबा हो रहा है, ये नाते मित्रों जो हमने नोटिंग बनाया है इसको आप जरूर नोट कर लें, इतना हम समय जरूर देते हैं बगल में खड़ा होकर ताकि नोटिंग कर लें आप, और जो मैं बोलता हूं वो नोटिंग से भी बढ़िया है, आप उसको सुनोगे तो निश्चित रूप से समझोगे। तो मित्रों ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि जन्म का समय अशुद्ध है तो फलादेश कैसे अशुद्ध सही होगा, जन्म के समय को शुद्ध करना हमारा दायित्व है, जहां हमको भ्रांति हो संदेह हो भ्रम हो हम जरूर ठीक कर, और किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से ही परामर्श करके इसको शुद्ध करा ले, ये हमारे जातक और प्रेक्षक मित्रों का भी दायित्व तो है, और हमारे विद्यार्थी या विद्वान ज्योतिर्विद साथियों का भी दायित्व तो है कि इस विधा को पूरी बात ही
इस रूलिंग प्लेनेट का अभ्यास करके, अनुभव करके इसमें जरूर प्रवीणता हासिल कर लें और जन्म समय की गारंटी लेकर के ही आगे बढ़े। तो मित्रों, मिनट सेकंड तक जन्म का समय शुद्ध हो जाएगा। वहां भी हमको एक भ्रम करना चाहिए। बहुत से मित्र बताते हैं हमारा जन्म इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड। वहां मैं हमेशा संदेह करता हूं कि मित्र, मिनट सेकंड तो कोई नोट नहीं करता, मिनट तो नोट करता, सेकंड पे कोई नहीं नोट करता। ये आपको कहां से सेकंड मिला? उनसे जरूर मैं स्पष्ट करता हूं ताकि ये तो स्पष्ट हो जाए कि किसी प्रवीण आदमी से इन्होंने बीटीआर कराया है कि किसी अधूरे आदमी ने। वहां मैं स्वयं आश्वस्त होता हूं। जहां मुझे लगता है कि ठीक 12 बजे, ठीक 2 बजे, ठीक 1 बजे जन्म हुआ है, तहां भी मुझे स्वयं संदेह हो जाता है कि जरूर 1-2 मिनट आगे पीछे होगा। यद्यपि संभव है ठीक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी होना जन्म, लेकिन एक संदेह जहां पैदा होता है वहां जरूर आप रूलिंग प्लेनेट का प्रयोग करके बर्थ टाइम रेक्टिफाई करें। और हम अपने सभी दर्शक मित्रों से अपेक्षा करेंगे कि आप इस विधा का अनुसरण करके, अनुकरण करके और हमारी बातों से प्रेरित होकर के इसका लाभ जरूर उठाएं। अंत में हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः नमस्कार, हार्दिक शुभकामना।